हे गाइस, मैं आकाश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वन कोर्स विद आकाश। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इटालियन खाने के बारे में। इटालियन खाने में कौन कौन से व्यंजन आते हैं, इटालियन खाने में कौन कौन से क्यूजींस हैं, इटालियन खाने की क्या हिस्ट्री रही है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इटालियन व्यंजन को इटली से विशिष्ट भोजन है या वहीं से इसका इटालियन नाम इतावली मिला या सदियों के सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों के माध्यम से विकसित हुआ है। जड़ें प्राचीन काल तक फैली हुई हैं। नई दुनिया की खोज और आलू, टमाटर, मिर्च, मक्का और चीनी चुकंदर के परिचय के साथ परिवर्तन हुए। यह आखिरी बार 18वीं शताब्दी में पेश किया गया। इटालियन व्यंजन अपनी विविधता के लिए जाना जाता है, खास तौर पर उत्तर और दक्षिण प्रायद्वीप के दक्षिण में। यह स्वाद की एक बहुतायत प्रदान करता है और यह दुनिया में सबसे लोकप्रिय और प्रचलित में से एक है। इससे दुनिया भर के कई व्यंजनों को मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रभावित किया गया। इटालियन व्यंजन आमतौर पर इसके सादगी से चित्रता होती है, जिसमें कई प्रकार के 2 से 4 मुख्य अवयव होते हैं। इटालियन पकवान बनाने से विशिष्ट तैयारी के बजाय सामग्री की गुणवत्ता पर भरोसा करते हैं। सामग्री और खाना क्षेत्र के हिसाब से बदलते हैं। कई व्यंजन जो एक बार क्षेत्रीय हैं, पूरे देश में भिन्नताओं के साथ बढ़ गए हैं। इटालियन व्यंजन का इतिहास पुराने और खाना पकाने की किताबें हैं, जिसमें रोमन सबसे अमीर आदमी जी एपिकस द्वारा लिखे गए वाले शब्द हैं। इन्होंने 1891 में उसके पाक कला विज्ञान और भोजन कानून लिखा और सूप हाउस डी ओवेस के जैसे सामान के अनुसार व्यंजनों की व्याख्या की और सॉस यह महान की भोजन और किसान के व्यंजन के एक साथ जोड़ता है और स्थानीय व्यंजनों को व्यापक रूप से शामिल भी करता है। इटली में रोटी के अलावा रोटी के साथ रिजोटो, जो मक्खन के साथ शोरबा का साथ मक्खन फ्राई के साथ सॉस और प्याज डालकर बनाया जाता है। पोलेंटो, मकई के साथ मक्का पाउडर और आग में घी लगा हुआ इसको बनाते हैं। विभिन्न प्रकार के पास्ता दक्षिण में खाना जाना बहुत माना जाता है। विशेष रूप से पास्ता तेजी से फैल रहा है क्योंकि 17वीं और 18वीं सदी में टमाटर सॉस बनाया जाता है। इटली में जहां 3 पग समुद्र से घिरे हुए हैं, समुद्री भोजन का उपयोग करके कई व्यंजन हैं, जैसे नूडल्स, पास्ता, स्पेगेटी, मैक्रोनी और पिज्जा। ये 5 व्यंजन वहाँ की बहुत ज्यादा मुख्यता वाले डिशेज हैं, क्योंकि इन्हीं 5 मुख्य डिशेज के कारण ही इसे इटालियन क्यूजिन्स का नाम दिया गया। यदि एक बार इटली में आप अचानक भूख महसूस करते हैं तो आपको एक ऐसे लंबे समय तक देखने की जरूरत नहीं जहाँ आप अपनी भूख की संतुष्ट कर सकते हैं। इटालियन शहरों के केंद्र विभिन्न कैफे और भोजनालयों से भरे हैं। छोटे प्रतिष्ठानों में कीमतें आमतौर पर उनके स्थान के आधार पर भिन्न होती हैं। एक सस्ती इटालियन कैफे में औसत बिल का आकार प्रांत के 9 से 11 यूरो से लेकर रोम और मुख्य शहरों में 17 से 20 यूरो तक है। मिडडे रेस्टोरेंट के 2 से जहां एक अच्छे लंच और डिनर 40 से 50 यूरो खर्च होंगे। उदाहरण के लिए रोम के केंद्र में एक ऐसे डिशेज मानी जाती है वहां पर, जिसके कारण मुख्यतः हमारे इटालियन क्यूजिन को मिला। अब बात करते हैं इटालियन भोजन के बारे में। इटालियन भोजन क्षेत्र के अनुसार बदलता रहता है। उदाहरण के लिए उत्तर में अधिकांश व्यंजनों में आलू और चावल होते हैं। मध्य इटली में व्यंजन पास्ता और मांस पर आधारित है। इटालीय दक्षिण में स्थानीय निवासियों के आहार का आधार सब्जियां, पिज्जा, पास्ता और समुद्र भोजन है, जिसे समुद्री भोजन कहा जाता है। इटालियंस का सबसे प्रसिद्ध पाक आविष्कार पिज्जा है। अधिकांश शहरों में वजन के हिसाब से पिज्जा बेचने वाली दुकानें हैं, जो पिज्जा 2 ट्रायंगलों से मिलते हैं। एक आदेश देते समय आपको बस प्रदर्शन के संकेत पर आपको इतना बताना चाहते हैं कि पिज्जा इटालियन क्यूजिन का एक मुख्य भोजन है। इटालियन शराब कई प्रकार के देशों के निर्यात है, बुरोलो, यूनोरो, एंचे, प्यांसी। इस तरह के डिशेस के कारण इटालियन क्यूजिन का नाम इतावली पड़ा। अद्वितीय इतिहास से भरपूर शास्त्रीय कला और स्थापत्य, पुराने शहर और गांव, शानदार पारिदृश्य समुस्तर से सजा हुआ दुनिया का सबसे ग्रहण योग्य पाकशैली
ग्रह के हर प्राणी का इटली स्वप्न स्थान है, जहाँ पर कोई हर कोई जाना चाहता है। इटली शब्द का उद्भव इटालिया शब्द से हुआ है। वस्तुतः इसका मतलब कॉफ लैंड है, क्योंकि इटली दक्षिण के आदिवासियों का प्रतीक बैल है। रोम इटली की राजधानी है, जिसकी जलवायु अभ्यंतरिक होती है। रोम, वेनिस और फ्लोरेंसो जैसे प्रधान शहरों में विपुल मात्रा में ऐतिहासिक और कला का विरासत बड़ी उसी से साथ मिला है। अब हम बात करते हैं इटालियन की पाक शैली के बारे में। बहुत कम ही देश में ऐसे जहां दोपहर को खाने के साथ बंद हो जाता है, उनमें से इटली एक अनेक है। दोपहर को हर शहर का रास्ता शांत रहता है, दूर से घर के भीतर की आवाज प्रभावित होती है, ग्लास की आवाज, हंसने और ऊंची की आवाज। इटालियन पाकशैली दुनिया की सबसे लोकप्रिय पाकशैली है, और कारण भी है, सही है। इटालियन खाना में विस्तृत परिदृश्य, लोग खाने का बाजार और उसकी ताजगी भी है, जहाँ ताज़ा खाने का लुत्फ हमेशा उठा सकते हैं। हर प्रांत का खाना भी अलग अलग होता है, वह पाकशैली भी जलवायु और भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करती है। इटालियन क्यूजीन में सबसे पिज्जा के साथ साथ बहुत मुख्य रेसिपी है पास्ता। पास्ता को बनाते वक्त एक विशेष लोकप्रिय शब्द का व्यवहार किया जाता है, अल डेनेटी, जिसका हुबहू अनुवाद कहने पर दांत से या चबाने से। यह शब्द इटालियन पाक शैली में इस्तेमाल होता है। इसका मतलब है पास्ता नरम पकाना चाहिए, ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहिए। इटालियन पाक शैली संबंधित स्थान मुख्य क्षेत्र से दो हैं, वाइन और ऑलिव क्षेत्र, जिसके अंतर्गत ओलिब्रिया, लिंगुरिया और दक्षिणी का प्रांत आया। मवेशियों का देश, जहां ओलिव का पेड़ नहीं उगता था, एमेलियो, रोमांगो, लोम्बार्डी और वेनेटो, लेकिन दूध और मक्खन का उत्पादन बहुतायत मात्रा में होता था। जबकि टस्कनी प्रांत एक अपवाद है, जहां मक्खन और तेल से बना खाना पकाया जाता है, और मवेशी और ओलिव का पेड़ प्रचुर मात्रा में पाया गया। इन्हीं के साथ ओम्ब्रिया, लिंगुरिया, एमिलिया रोमांसो, लोम्बार्डी, वेनेटो, टस्कनी, स्टाफिंकोस, एलिपास्टो, प्राइमो, मेंस पास्ता, सेकेंडो पीसो मछली एंड कारेन मीट एंड डालसी डेजर्ट्स इटालियन रसोई घर के लोकप्रिय सामग्री। पास्ता के अलावा बहुत सारी सामग्री ऐसे भी है जिनके सच्चे इटालियन के लिए बहुत बड़ी बड़ी सूचियां बनाई गई हैं। चावल इटालियन पाकशैली में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, विशेषकर रिजर्टो के लिए, जो प्राइमो और उसका पहला कोर्स है। चावल के विभिन्न प्रकार के ओलिवेरियो और कर्नारोली का इस्तेमाल करके रिजर्टो बनाया जाता है। भारतीय बासमती चावल की तुलना में चावल के दाने को पकाने का समय कम लगता है, क्योंकि रिजर्टो जो बनता है उसे बोलते हैं अलदांते। अलदांते का मतलब होता है कि ऐसा चावल जो आपके दाने ऊपर जाए, आपके दांत पर जाए, उसका हल्का सा एक बाइट कच्चापन दे। इटालियन भोजन में मछली का विभिन्न स्थान है, जो विस्तृत समुद्र तट के रूप में हुआ है। उसी के साथ साथ लजानिया पेस्टो, डीप पैन पिज्जा, पास्ता स्टफ्ड बेल पेपर्स, स्पेगेटी विच बोनोलेस, मैक्रोनी एलोफ्रेडो, पेनो एंड बोलडा, स्ट्रॉबेरी टिरामिसु, बेलंडो चीज केक, हॉट फज मिलानो, मैंगो चीज केक विथ ऑटो, पोटैटो नोकी, रिजर्टो वेदे, इटालियन फिश क्रस्ट पिज्जा, मिलेंदो पी सूप, मिलसनेंदो विथ सूप चिकन। ये हमारी इटालियन खाने की मुख्य रेसिपीज जो आपको मैंने बताई। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो, एंड अपने मैं चैनल पर इस तरह की वीडियोस लाता रहता हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, इस वीडियो को एक लाइक एंड कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर नए आए हैं, वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो अपना प्यार दिखाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।